लड़के की आस में पत्नी को किया प्रताड़ित। पत्नी पहुंची थाने। घटना बड़वानी के अंजड़ की है, जहां की लड़की ने अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ग्राम छोटा बड़दा निवासी आमिन पिता अब्दुल हमीद की शादी 2 साल पूर्व अंजड़ निवासी लड़की के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही आमिन ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करते हुए उसके साथ आए दिन लड़ाई झगड़े किया करता था। लगभग 1 साल बीतने के बाद साजिया को लड़की हुई तो आमिन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि तेरी बहन को लड़का हुआ, तुझे लड़की क्यों हुई कहकर और परेशान करता रहा। लड़की के पिता हबीब खान ने बताया कि लड़की पैदा होने के बाद से आमिन ने दहेज की मांग करते हुए व्यापार करने के नाम से 2 लाख रुपये की मांग की। तब उसे अपना पुश्तैनी मकान बेचकर दहेज की मांग को पूरा करना पड़ा। उक्त राशि आमिन मामा नूरू के साथ हमारे घर आकर ले गया था, लेकिन दहेज की मांग पूरी होने के बाद भी आमिन साजिया को परेशान करता रहा। वह साजिया को 1 साल पहले मेरे घर अंजड़ छोड़ गया। वह दोबारा 2 लाख रुपए की मांग फिर से करने लगा। साजिया की 13 माह की एक बेटी है। परिजनों व समाज वालों की समझाइश के बाद भी आमिन नहीं माना, इसलिए आज मंगलवार को सभी परिजनों के साथ थाने पर आकर आमिन एवं उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया गया है। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? क्या मामला आज का? दहेज के लिए बार बार परेशान करते हैं। आपके शोहर का नाम क्या है? आमिन। कहाँ रहते हैं? ये बड़ा बसावट रहते हैं। तो कब से चल रहा है आप लोगों के बीच में? ये शादी के 8 महीने से परेशान कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट जरा इसको। हाँ, आप ले लो। क्या मामला, आप क्या रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं? दहेज के लिए बार बार परेशान। कहाँ आपका बिहार कहाँ है? मेरा बड़ा बसावट। आपके शोहर का नाम क्या है? आमिन है। तो कितने समय से विवाद चल रहा है आपका? 8 महीने हो गए। 8 महीने तो कंप्लेंट से परेशान कर रहे हैं दहेज के लिए। अच्छा, तो आपने FIR आज दर्ज करवाई है? हाँ, आज मैंने FIR दर्ज करवाई। उनसे आपको कितने बच्चे हैं? एक ही है। एक लड़का है? लड़की? लड़की है। कितना समय हो गया शादी को? शादी को 1.5 साल हो गए। क्या दहेज की क्या मांग कर रही है? दहेज में बोलते 3 लाख रुपए लेकर आ, तभी तेरी बेटी और तुझे अपना। क्या काम करते हैं आपके शोहर? वो आधार कार्ड और आयुष्मान का काम करते हैं। इससे पहले भी आपने आवेदन दिया था थाने? हाँ, दिया था। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई? आप क्या कहा? महिला डेस्क में गए थे, वहाँ पर समझा नहीं। आपने FIR दर्ज करवा दी? आज आपने आवेदन दिया पुलिस को, तो क्या कहना पड़ा पुलिस का? अभी आपने आवेदन दर्ज कराया कि FIR दर्ज कराई? आगे आप क्या चाहती है? आगे मैं न्याय की उम्मीद चाहती हूं। मामला आपकी बच्ची का? मेरे बच्चे को 1.5 साल से परेशान कर रहे, तंग कर रहे हैं, पैसों की डिमांड रखते हैं। कहाँ ब्याही गई आपकी बच्ची? ये बड़दा बसावट में दी है। क्या नाम है आपके जमाई का? आमिन खान है। क्या मांग की जा रही है? वो 2 लाख रुपए की मांग करते हैं, और लड़की छोरी होने के बाद में से और ज़्यादा परेशान करने लग गए कि हम चोरी को जब भी ले जाएंगे, जब आप 2 लाख रुपए की दोगे तो। पहले भी दहेज में कुछ रकम दे सकती थी? पहले भी दे दिया। कितने दी? 2 लाख रुपए दिए। किनको दिए थे दहेज में पैसे? नूरू भाई को। ये कौन है? ये इनके मामू हैं, लड़की अपने जमाई के। अब आप क्या चाहते हो? हम न्याय चाहते हैं। वो छोड़ गए, 1.5 साल से परेशान कर रहे, छोटी बच्ची है। बच्ची को कोई मतलब कुछ दे रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। मामला आया है, कहाँ का मामला है, क्या है? आवेदिका साजिया पति अमीन निवासी बड़दा बसावट हाल मुकाम राजपुर रोड अंजन ने एक आवेदन दिया अपने पति अमीन और सास खिलाफ दहेज की मांग को लेकर के, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला। तो इसके आवेदन पर से उसके पति और सास के खिलाफ अपराध क्रमांक 307 धारा 498 34 IPC का कायम किया गया है। इसमें आवेदा को कुछ मारा ठोका गया परिवार ससुराल पक्ष अभी से? ये पारिवारिक झगड़ा इनका, ये आवेदिका करीब 1.5 साल से अपने पिता के यहाँ रह रही है। धमकी वगैरह से? धमकी वगैरह का तो नहीं आया है इसमें, मतलब दहेज की मांग को लेकर के। सर, कितनी दहेज की मांग की गई है? इन्होंने 2 लाख रुपए का लिखवाया है।
दो लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। सर परिजनों का ये बताना है कि दो लाख रुपए पूर्व में भी वो दे चुके हैं। हाँ, इन्होंने ऐसा आवेदन में लिखवाया है कि पूर्व में व्यवसाय करने के लिए उसने दो लाख रुपए मांगे थे जो इनके द्वारा दिए गए। अच्छा, लड़की होने के बाद ये सब घटनाक्रम हुआ, लड़की का भी कोई कि भाई बच्ची पैदा होने के बाद ज़्यादा परेशान करने लगे, ऐसा भी कुछ मामला? ये आवेदन में इन्होंने दिया है कि लड़की हुई तो ये लड़की को मतलब अस्पताल गए थे, लड़की का सुन करके देखा नहीं और वापस चले गए, बिना देखे चले गए, तब से ये अपने पिता के घर ही रह रही है। सर पुलिस कब क्या कार्रवाई करेगी इसके ऊपर? पुलिस ने अभी दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है, आगे विवेचना कर जो मतलब कार्रवाई होगी की जाएगी न्यायालय।